to those who say it's just a cartoon, I want to say, I won't say it's only a statue. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये कनाडा में गुज़श्ता दिनों बरतानिया की मलिका विक्टोरिया और एलिजबेथ के मुजस्मों की तजलील करने और मुजस्मों की तोड़ फोड़ करने के वीडियोस हैं। जब ये वाक़यात हुए तो पूरे बरतानिया में गम व गुस्से की एक लहर दौड़ गई और बरतानवी हुकूमत ने बरतानिया के बादशाहों और मलिकाओं के मुजस्मों की तजलील करने वाले शख्स के लिए 10 साल कैद की सज़ा का कानून पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए पेश कर दिया। जब ये कानून मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में पेश किया गया तो बरतानवी पार्लियामेंट की मुसलमान रुकन नाज शाह ने पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात का हक अदा कर दिया। इस मौके पर उन्होंने तकरीर की और उन्होंने कहा कि आप यानी बरतानिया की हुकूमत और बरतानिया के अवाम अपने साबिक बादशाहों और मलिकाओं के मुजस्मों की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते और उनकी तौहीन करने वालों को 10 साल कैद की सज़ा दिलवाना चाहते हैं, तो आप मुसलमानों से ये तवक्को क्यों करते हैं कि वो पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को कुछ ना कहें और इस गुस्ताखी को बर्दाश्त कर जाया करें। ये मुसलमानों के लिए अमलन मुमकिन नहीं है। इस मौके पर नाज शाह ने बरतानवी हुकूमत और पार्लियामान को मुखातिब करते हुए ये बात कही कि आप यकीनन इस बात का हक रखते हैं कि अगर कहीं भी बरतानिया के किसी बादशाह या मलिका के मुजस्मे की तौहीन की जाती है तो आप उसके लिए सज़ा मुकर्रर कीजिए, लेकिन आपके लिए लाजिम है कि अगर कहीं कोई पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तो आप उसे सज़ा दिलवाने के लिए भी कानून ज़रूर मंजूर कीजिए। नाज शाह ने अरकान पार्लियामेंट को मुखातिब करते हुए ये कहा कि अगर आपको मिट्टी और पत्थर की मूर्तियों से मोहब्बत है तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर मुसलमान को नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत है। ये मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ तो कोई हैसियत ही नहीं रखती। लिहाजा अगर आप कनाडा में होने वाले एक वाकये की सज़ा का कानून बरतानिया में मुकर्रर कर सकते हैं तो आप फ्रांस और यूरोप के दीगर मुमालिक में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में होने वाली गुस्ताखी और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तौहीन पे मबनी खाके छपने के ख़िलाफ़ कानून क्यों मंजूर नहीं कर सकते। इस मौके पर नाज शाह ने एक बहुत मजबूत दलील दी। उन्होंने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि वो फ्रांस में शाये होने वाले तो महज कागज़ के ऊपर बने हुए खाके हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या कनाडा में जिंदा बादशाहों और मलिकाओं की तौहीन की गई है? नहीं, बल्कि महज मिट्टी गारे पत्थर लोहे के बने हुए मुजस्मों को गिराया गया है। तो आप उनके ऊपर इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आपको इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है? हम मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इन तमाम बुतों मुजस्मों से कहीं ज़्यादा अहमियत देते हैं, कहीं ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। नाज शाह ने इस मौका पर बरतानिया के मशहूर अदीब जॉर्ज बर्नर्ड शॉ का हवाला देते हुए कहा कि जॉर्ज ने यह कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया की सबसे नुमायां हस्ती हैं। उन्होंने एक मज़हब की तबलीग भी की, एक रियासत भी कायम की और इंसानों के फ़िक्र और सोच को बुलंदी भी अता की। नाज शाह ने इस मौका पर पार्लियामेंट को मुखातिब करते हुए ये कहा कि चंद लाख बरतानवी अवाम के जज्बात को ठेस पहुंचाने पर अगर कानून लाया जा रहा है तो वो वक्त कब आएगा जब दुनिया भर के 2 अरब मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वालों को सज़ा देने के लिए भी कानून मंजूर किया जाएगा? नाज शाह ने इस मौके पर यह कहा कि मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वालों को सज़ा दी जाए इसलिए कि कोई भी मुसलमान, दुनिया भर का एक एक मुसलमान अपनी इज्जत अपने जान माल से ज़्यादा मोहब्बत नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हस्ती से करता है। लिहाजा अगर आपको अपने बादशाह और मलिका उनके मुजस्मे इतने अजीज हैं तो आपके लिए लाजिम है कि आप 2 अरब मुसलमानों के जज्बात का भी ख्याल रखिए और इस सिलसिले में भी कानून मंजूर कीजिए। इस मौका पर नाज शाह ने जो तकरीर की वो तकरीर आपके सामने पेश की जा रही है।
Today, I want to raise a part of this bill which though has been mentioned has never been considered in light of what I am about to say. The proposed legislation will put a maximum 10-year sentence in place for those people that damage or attack statues, asserting into British law a significantly higher penalty for attacking a statue. Which begs the question, why? Why will a person be given a much more significant penalty for attacking a stone or an iron statue compared to if they were to damage a stone wall or an iron gate, especially because in their physical form they are identical, neither are alive, can't be injured or have their feelings hurt and are made of the same elements, yet for one there is much more of a significance. I simply ask why. It is because we recognise that statues symbolise the historical, cultural and social feelings of our nation, and thus protecting feelings linked to such sensitivity is essential to preserve civil order. It is because, as the Justice Secretary told the Commons, this bill ensures our courts have sufficient sentencing powers to punish the emotional harm caused by this type of offending. Yes, you can go out, debate, discuss, disagree and even respectfully, vehemently oppose any historical figure, but when someone defames or vandalises statues of people like Winston Churchill in a mob-like fashion, who means so much to millions of Britons who hold his efforts during the Second World War so close to their hearts, then that does threaten the cohesive nature of our nation. We cannot pretend that a Western liberal democracy like Britain does not consider feelings when it comes to such situations, whilst at the same time today passing a law through Parliament giving such importance to protecting statues based upon commemorative feelings. As a Muslim, Madam Deputy Speaker, for me and millions of Muslims across this country and quarter of the world's population that is Muslim too, with each day and each breath, there is not a single thing in the world that we commemorate and honour more than our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. But when bigots and racists defame, slander or abuse our Prophet, peace be upon him, just like some people do the likes of Churchill, the emotional harm caused upon our hearts is unbearable. Because for 2 billion Muslims, he is the leader we commemorate in our hearts, honour in our lives, and forms the basis of our identity and our very existence. In fact, the noted playwright George Bernard Shaw said about the Prophet, peace be upon him, he was by far the most remarkable man that ever set foot on this earth. He preached a religion, founded a state, laid down a moral code, initiated numerous social and political reforms, established a powerful and dynamic society to practice and represent his teachings, and completely revolutionised the world of human thought and behaviour for all times to come. To those who say it's just a cartoon, I won't say it's only a statue, because I understand the strength of British feeling when it comes to our history, our culture and our identity. It's not just a cartoon, and they're not just statues. They represent, symbolise and mean so much more to us as human beings. To conclude, whilst this law will now protect civil order and emotional harm when it comes to secular and political figures such as Oliver Cromwell and Churchill, and does not necessarily for other figures that many people in modern Britain hold close to their hearts, such as Jesus, the Prophet Muhammad, peace be upon him, Moses, Ram, Buddha, Guru Nanak and many others, it does show that we recognise there is such a thing as emotional harm. And finally, we must ask ourselves, when striking the careful balance to protect such emotional harms, can there and should there be a hierarchy of sentiments? Thank you. जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा और इसमें यकीनन आपके जज्बात की तर्जुमानी की गई होगी। हम इस मौका पर नाज शाह को सल्यूट पेश करते हैं, जिन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात की इतनी अच्छी तर्जुमानी की कि यकीनन बरतानवी पार्लियामेंट इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकेगी जिसका उन्होंने इजहार किया है। आपका बहुत शुक्रिया।